धन्यवाद। काम खेतर के मेरे सारे बुजुर्ग भाई चाचा ताऊ दादे दादी ताई चाची बेबे भाभी सारे ने जी राम राम हाथ जोड़ के नमस्कार। पिछली बार जो कह के गई थी उसमें कि मैं गलती हो तो माफ करियो, इब के मैं कोशिश करूंगी मैं ठीक ठाक बोलूं। जी पहला तो इन छोटी छोटी बच्चियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आखा आए आपने ऐसा स्टेप ठाया, यू क्रांतिकारी स्टेप है। इसे ऐसा अपना बालक हर कोई घर में हो हर कोई घर में जामा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से नमस्कार। अच्छी काम के दड़ जैसा क्रांतिकारी काम से सारे हो जावे ना तो इनके पंखे पाट जावे, लेकिन हाँ सारे इनके होए कोनिया सहज सहज उड़ लग रहे हैं। आज जैसा काम आज 51वां दिन है, लाठी भी खा लिए डंडे भी खा लिए आंसू गैस गैस के गोले भी खा लिए, लेकिन बैठे हो आपकी सास ने आपकी वीरता ने मेरी तरफ से जी हाथ जोड़ के नमस्कार है। ई जी वह भाई कहू का लगाई बंदी रागनी बंद चार बात पकड़ ले है भाई ने क्या मतलब उसके बूटी के पार्ट ने ना मतलब भैंस दी और ना उस तक ना दी भैया नहीं बाप ने कहते वाई नेवा कर रहे हैं दूर सा पे देख रहे करण लग रहे हैं गौ माता की वो नाम ही पोषण न फिर हैं इनका तो ये ऊपर तो से बीजेपी वाले बैठे हैं सरकार में या सत्ताधारी जो ये ऊपर बैठे हैं ये मैं सोच रही हूँ गाँव का है ना ठेका ही नहीं बैठा रखा है आपने दिशा ने ठेका नहीं ठा रखा है पर इन्हें यूं नहीं पता हम वाह को माँ जी तड़ जाए ना उड़ तो जीत के लिए गड़ा कर रहा हमारा लट तो इस आज बड़े बड़े जाए है। अजी इस चीज का उदाहरण आपा ने थोड़े दिन पहले दिल्ली में भी दिया है हम लट गाड़निया कौन है पीछा डनिया कौन नहीं है। अरे काम खेतर ना 51वां दिन हो गया लट उड़ा भी गटेगा जीतता उड़ा भी है गाँव को नहीं बांटाई बुआ ने गाँव ले ली तो ये तो ये जो ऊपर बैठे हैं ना ये सत्ताधारी पक्ष में ये स्टेट में हरियाणा में भी बैठे हैं और ये ऊपर सेंटर में भी बैठे हैं तो ये तो वह बहु हो रहे हैं जो अपने तो गाँव देने पर भी नट है भैंस तो इन्होंने पहले ले ली गाँव का जी बोला गौ माता की सेवा करो। मैं पिछली बार भी बताऊं थी बोला गौ माता के ऊपर हम राजनीति करांगे गौ माता के ऊपर हम वोट मांगांगे पर गौ माता का हम ख्याल को नहीं करा और जो उनसे करण लाग रहे हैं उन पर हम डंडे मारेंगे इनकी दुआ राजनीति हो रही है। तो जी क्या सरकार है अन्य की सरकार बह रहे हैं इन सुनता तो है को ना तो जी इनके तो ठा लो तम भी अपने डंडे ठा लो तम भी अपना जोड़ सा हथियार ठाना है। मैं तो जी बुला कोई आपत्तिजनक बात तो बोलनी नहीं चाहती क्यों आजकल आप ये फोन ठागा ना परमाणु बम है ये इन कर देंगे वायरल है इन पढ़ लेंगे मेरा पास है पर जी न्यू बैठे काम कौन चल रहा है उठ लो हाईवे जाम करना हाईवे जाम कर दो और कौन सा है गेट पर खड़ा होना है और कौन से पर भी खड़ा हो जाए मन में भी बुला लिया उस दिन पिछली बार बुलाई होनी एक आधा मेरे भी लागेगा सुपाड़ा होगा थोड़ी कम फिर मैं भी बोलूंगी। तो जी देखो यह सरकार को बड़ा सरकार से मैं विनती करती हूँ इन लोगों की तरफ देखें 45-46 डिग्री टेम्परेचर है गर्मी में धूप में बैठे हैं तो जी सरकार को इतनी अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए और अपने काम कान भी इस तरीके से बंद नहीं करने चाहिए क्योंकि उन्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए तड़के ने वोट मांगण मारे तो राणा है और फिर वोट दिन दौड़िया मारे भी आंख कान क्यों है बंद हो उसके है आज इनके हो रहे हैं तड़के ने फिर हम भी नहीं 45 डिग्री में 50 डिग्री में घुमावेंगे अपने तो असर को नहीं होगा 45-50 डिग्री में घूमण का अपनी चप्पलों में तो को नहीं मेरा पड़ता लेकिन इनकी जुतियां ना जरूर मेरा पड़ जाओगा एसिया में चले करके जो मुंह की खाल जड़ेगी नहीं जब मेरा पड़ जाएगा है कुछ करो या करे तो वोट मांगने होनी याद जरूर रखियो कभी भूल जाओ ताई याद रख लियो ये तो ना हम अठा ठगा हो फिर देखो कि आए ना ये फलाना तो मेरा भाई लागे है ना ये फलाना तो मेरा ताऊ लागे है भूलियो मत याद रखियो भूलने बार को नहीं लाने नहीं भी। तो जी दूसरा भाई ने क्या मतलब परिवार ने परिवार खराब कर दिया शराब ने तो जी मैं तारा से विनती करूँ ये परिवार खराब न तोड़ दो
पार पावे के अमन तो कोनी पाती इनने के पावे ड्यूनी बेरा करडी हो ले ये ठंडी रोटी आ के बुलावे कौन के ओड़े बाल समन तो है ते किसे भाई ने कहा मेरी बाल समन जा रही थी दो दिन पहला ओड़े भी धरना चल रहा है तो बोले ये बेचारी ठंडी पान दारू पी के अपना तो दो पैक लेके आवे है और आके ने ठंडी रोटी पावा बुलाए मन फेंक के थाली बोला ठंडी रोटी दे है तब पी लिया वो फिर भी बेचारी तब पी लिया है तो इतने ठंडी थाली रोटी फाके नहीं इतने हुए भी उल्टी ले ली और अगली भी मती और दो तीन दिन भूखा रखो आपने तुमने के पीते को नहीं आवे ऐ करड़ी हो लो तुम मेरा तो हमने मेरी बात अच्छी मन रहा है पर के करा है आपने नाश कर दिए मेरा बाबू भी आ करता तो मैं बड़ा मेहनत कराई है कदे तुड़ी तो आई है कदे की मैं करवाया है पर तो आधा में बैठ रही है या दारू और बहुत सारा का बैठ रही होगी है मत नाश करो अपने परिवार का समझ लियो कड़िया ही ताकने सरकार पारे नाच रही है बचा कुछा तो तारा नाश आपे करण लग रहे हो यह दारू की मैं कुंदे थी जिसा तारा घर में घी हो वह है दूध हो वह लासी हो वह उसे मैं क्यों नहीं टाट लेते है इस नशा में थोड़े देर की लासिया नशा तूफान में उतर है जो है दूसरा नशा में करो लासी पी कर ठाट तो सोया करो ने अजी इन चीजा में कुछ है कुंदे रहा कि अजी अपना समाज बड़ा चिंताजनक विषय है छोटे छोटे तारी जी भी तो कटली थी छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के 12-12 साल के 14-14 साल के जी दारू पी हुए हैं और दिन तो पाप का पैसे नहीं है वो कोई टिक्के ले हुए हैं कोई आजकल नया नशा चल रहा है स्मैक का वो स्मैक ले हुए हैं पूरा बैठे बैठे कांदी खराब होगी जी बाप का जी चल चल फूटे न्यू आन लेंगे जो इनके घर में घी नहीं दूध नहीं खाते नहीं पीते नहीं नशा खराब होने लग रही है अपने नस्लों ने बचा लो अपने बालकों ने बचा लो जो सी सरकार कर रही है वह तो कर रही है तो हम भी तो अपनी नस्ल खुद ही खराब कर लग रहे हो पहला तो हमने भी इस तारे बालक खराब होने लग रहे हैं तारी को जो सी होनी थी कटली आपका बालकों ने बचा लो जी बालकों ने सीता राई तला दो किसी ने गेम में बांट दो किसी ने खीते बांट दो पर युग जब तो होगा जब तो हम सुधरोगे है आकर रात में दारू पी कर गाड़ दोगे उस तो बालक को सुधर है वो भी नहीं सोचा ना मैं भी आकर मेरी बहू में आकर दारू पी कर गाड़ दूंगा और नहीं रोटी देगी तो एक आधे कोनी बिठा लूंगा न्यू सोच लिया आखिर ने कोनी बिठाने जोगी ये भी हो रही है अरे बेकार तक बैठन भी लागी होगी बिना बड़े बड़े बालक दूसरा न ले बिठाने भी लागते हैं घर में पर न्यू ऐसी थोड़ी समझ ले लो ये मजाक प्यारी बात है मजाका में बात समझ में आ जाओ उसी तो बात किसी है तो मेरे बड़े हो मेरे तो बहुत बड़े बड़े हो सारे मेरा कोई ताऊ ना कर कोई दादा ला कर है इन चीजा में कुछ है गुंद रहा जी बाकी रही बात इन सरकार की तो जी ये तो गौ माता और धर्म का नाम पर राजनीति कर रहे हैं 2024 आने लगे अगला हमने की मैं काम तो करा को नहीं राजनीति की बात नहीं करना चाहती थी लेकिन मैं करूंगी है खून में तो मेरा भी राजनीति जाली आखिरी में आके ने बोले वो क्या करे है ना अपने तो बोले आवे आंटे बिलर तू गाजरा में करो तो मैं तो आंटू बिरूर मेरा तो गाजरा में करो और राजनीति पे पहुंचे है तो जी इसने तो धर्म की राजनीति का ठेका उठा लिया जो यह सरकारी बेटी है बोले हमने 2014 में किमें काम नहीं करा 19 में आगे 19 में बुक कराए बोले हमारे बालक हम नेशनलिज्म हम बोले हम सब देश का ठेका हमने ठा रखा अपन वोट दे दिया क्यों अपना घर में हर घर में तो पहुंची हर घर में पुलिस में बालक अपन वोट दे दिए बढ़ के 2019 में आगे ने फिर इविन ने कोई काम नहीं करा अब एक साथ बिठा दिए अब बैठ ला दिए उड़े बैठे रहे दिल्ली बॉर्डर पे बॉर्डर का आए तो किसी का मुआवजा नहीं दिया तारे वर्गिया की गौशाला बंद करावे हैं हर तहसील में खेड़ी तो उठे जुलाना बिठा दिए जुलाना तो उठे ई बाल संबंध बिठा रखे हैं और क्या वंदन हो गए काम बैठे हो तो जी तो जाकर आखन लग रहे हैं और गले गले के चल रहे हैं बाकी उसमें अपना उरे धर्म का हिंदू मुसलमान का नहीं चलता तो आप न्यूल जा रखे हैं जड़े जड़े चल रहा है यूपी जिसी जगह में बोला फलाना हिंदू है बोला तिकड़ा मुसलमान है और बोला के तू गे हम 80% हिंदू हम खतरा ना क्योंकि 17% में जो से मुसलमान बैठे वो अपन काटते हैं तो जी क्या उसके है अब ये खतरा ना तो जी तो सरकार यू ठेका उन सरकार का नहीं है उस प्रधानमंत्री और सीएम का नहीं है कि वो जाके बैठ के या बात करे कि हम खतरे में आ हम बच रहे हैं उसकी ठेकेदारी यह है वो न्यू बता
कितने अस्पताल बने और कितने कोरोना में आदमी बचाए, उनकी ठेकेदारी विकास का काम करने की है। या ठेकेदारी तो ऊपर में बैठे हैं नी लाल कुर्ते धर्म गुरु, उनकी है। तो जी धर्म गुरु का काम कर तो करने लग गए राजनीति वाले, भाई धर्म गुरु वाली ठाली ये विकास का काम कौन करेगा? आपे करांगे, अपना ठाणा ठा लो और अपना अपना समझा लो, बेवकूफ बनना बंद हो लो। सारे ताना आके बताते होंगे भी न्यू होना चाहिए और वो होना चाहिए, बस दो चीज सीख लो, अपना विकास अपना खुद करना है। और इबके नजर कोर्ट मांगे नी तो वह 45 डिग्री में जड़े बैठे हो नी वह राह उनने भी दिखा दियो, ताकि पेरा पट्टर पैरा तड़ा गर्मी कुकर चढ़िया कर चपला में को है। तो जी मैं ज्यादा सा आपका वक्त नहीं लेना चाहती, आप सारा दिन सुनते हो गए, सारे अपना आकर कुछ न कुछ सुना के जावे हैं, लेकिन जी इतना जरूर कहूंगी तारी बैठी हूँ तारे बीच में तो आई हूँ, मन ने भी पेरा है किस तकलीफ में बैठे हो, कितनी गर्मी है, सारे अपने ये ताई और कोई काम कोई पोचा बीमारे बिना आवे है, कोई रोटी पोया बिना आवे है, कोई डांगरा ने ऐरा गेरा बिना आवे है। तो जी इस तकलीफ में सरकार सुने, जल्दी से जल्दी इसका निवारण करे, नहीं तो इलाज मारा तो दूसरे भी हैं, जिस दिन करण पावांगे फिर हम अपने ठाणे बिठावांगे। और ठा लो कई दिन हो लिए हैं मानते ही न्यू भी नहीं। और मेरी जी मैं दूसरी बार अड़ाई हूँ, तीसरी बार कहोगे रोज कहोगे जय बार कहोगे उड़ान ने तैयार हूँ, तारा गल रहने तैयार हूँ, डंडे ठाओगे लाठी ठाओगे हाईवे जाम करोगे जिद भी कहोगे आग कपाऊंगी। मेरी ड्यूटी बता दियो जी आज जोड़ के, मेरी जिम्मेवारी बता दियो। इसी के साथ जी मेरे कल्ले बोलो जय जवान जय जवान गौ माता की गौ माता की जय जवान। राम खेतड़का जी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।